देखो अपना आंसर टॉपिक है विद्युत धारा, थोड़ा सा अपन ने कल भी देखा था, फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं विद्युत धारा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत धारा क्या होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बिजली, ठीक है, करंट, ये सब किस में उपयोग आ गया, विद्युत धारा में। तो विद्युत धारा को कैसे परिभाषित करेंगे, अगर इसकी परिभाषा दे, विद्युत धारा की परिभाषा दे तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे। आवेश प्रवाह की दर को क्या कह रहा है, आवेश प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की जो दर होती है पर सेकंड, प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है किसी तार में से, तो वो क्या कहलाएगा आपके, विद्युत धारा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रति सेकंड होने वाले इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। मतलब पर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं वो क्या कहलाएगी आपकी, विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं, ठीक है। आवेश को किससे लिखते हैं, क्यू से, और समय को किससे लिखते हैं आपके, टी से। तो आवेश प्रवाह की दर या प्रति सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है ये क्या कहलाएगा आपका, विद्युत धारा, क्या कहलाएगी आपकी ये, विद्युत धारा, ठीक है। अब इसको अपन ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में टी समय में, देखो एक परिभाषा और बन सकती है, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में टी समय में एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो टी समय में, ठीक है। तो टोटल आवेश कितना होगा आपका, एन ई। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर एन ई अपॉन टी। एन ई किसका मान है, आवेश का, और आवेश किसकी वजह से उत्पन्न हुआ आपके, इलेक्ट्रॉनों की वजह से। इसलिए अपन इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, दोनों सूत्र एक ही बात है, कैसे भी देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं विद्युत धारा का मापक, आई क्या है आपका, विद्युत धारा, आई क्या है आपकी, विद्युत धारा, क्यू क्या है, आवेश, और टी क्या है आपका, समय, ठीक है। ये क्या है आपका, समय। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, तो अब देखो विद्युत धारा का मात्रक ज्ञात करना है, मतलब किस में मापेंगे इसको, विद्युत धारा का मात्रक। देखो कैसे निकालेंगे, I क्या होती है आपकी धारा, Q क्या है आपका आवेश और T क्या है आपका समय, इसी सूत्र से निकालेंगे। तो धारा बराबर आवेश बटा समय, आवेश बटा क्या हो गया आपका समय, धारा बराबर क्या हो गया आवेश बटा समय। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या लेंगे, विद्युत धारा, ठीक है। Q आवेश को किस में नापते हैं अपन, कूलाम में, ये इसकी इकाई है। आवेश को किस में नापते हैं अपन, कूलाम में। समय को किस में नापते हैं अपन, सेकंड में, ठीक है। तो कूलाम बटे सेकंड क्या होता है आपका, एम्पियर। तो क्या निकल गया है, कूलाम बटे सेकंड क्या होता है आपका, एम्पियर। तो धारा का मात्रक क्या होगा आपका, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या हो गया आपका, एम्पियर। कूलाम बटे सेकंड किसके बराबर होता है आपके, एम्पियर के, इसीलिए धारा का मात्रक क्या हो गया आपका, एम्पियर है। तो विद्युत धारा का मापन किस में किया जाता है आपके, एम्पियर में किया जाता है। कैसे आया ये भी अपन ने देख लिया। अब अपन एक एम्पियर की परिभाषा निकालते हैं, एक एम्पियर, एक एम्पियर को कैसे परिभाषित करेंगे। अब यदि क्या करें, इस सूत्र में धारा बराबर क्या आया आपका, आवेश बटे कूलाम, आवेश बटे सॉरी आवेश बटे समय। आवेश का मात्रक क्या होता है आपका, कूलाम। समय का क्या लेंगे दिया अपन ने, सेकंड। अब एक एम्पियर को कैसे परिभाषित करेंगे, अगर अपन Q, अगर इसको सूत्र में लेंगे तो Q बटे T हो गया, Q यानी आवेश और T यानी समय। अगर मैं Q बराबर एक कूलाम लिख दूं या एक लिख दूं, एक कूलाम लिख देती हूँ, मतलब Q का मान कितना है आपका, एक, ठीक है, और T का मान कितना है आपका, एक सेकंड। अगर मैंने क्या किया, इस सूत्र में थोड़ा चेंजेस किया और Q की जगह मैं एक लिख देती हूँ, Q का मान क्या है आपका, एक, और T का मान भी क्या है आपका, एक। T का और Q का दोनों का मान क्या रख दिया मैंने, एक रख दिया। तो एक रखने पे होगा क्या, I यानी धारा, I क्या है आपकी धारा, ये सूत्र आपका, ठीक है। तो उस सूत्र को अपन इधर रख के I बराबर Q बटे T, Q के और T के मान रखो इनमें से, तो I बराबर क्या हो गया, एक बटे लिख सकते हैं अपन, क्योंकि अपन ने Q का मान कितना लिया है, वन, और T का मान भी कितना लिया अपन ने, वन, दोनों का मान क्या लिया आपने, वन वन लिया है। तो I बराबर क्या हो गया, एक बटे, एक बटे एक का क्या है, कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। अब अगर अपन इसको परिभाषित करें तो कैसे करेंगे, एक एम्पियर का मतलब होता है यदि किसी विद्युत परिपथ से एक सेकंड में, एक सेकंड में एक कूलाम आवेश गुजरता है तो विद्युत धारा का मान, तो विद्युत धारा का मान एक एम्पियर होगा। दोबारा देख लो, धारा कैसे निकाली, प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेशों का मान क्या कहलाता है, विद्युत धारा, ठीक है। आवेश को किससे लिखते हैं अपन, Q से, इसका मात्रक क्या है, कूलाम। समय को क्या लिया अपन ने, सेकंड लिया है, इसका मात्रक क्या हो गया आपका, सेकंड।
इसीलिए इसका मान क्या है आपका 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर की परिभाषा। मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वो एक बार फिर से देख लेना, आपको लगे तो आप एक बार वीडियो फिर से पॉज कर लेना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। जो विद्युत धारा का मापन है, विद्युत धारा को किस यंत्र से नापते हैं, उसका नाम होता है एमीटर। विद्युत धारा को एमीटर से नापते हैं। विद्युत धारा को किससे नापते हैं अपन? एमीटर से। जो एमीटर एक उपकरण होता है, ऐसा उपकरण होगा, उससे किसको नापेंगे अपन? विद्युत धारा को मापन करेंगे या उसको नाप करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो एमीटर, जो आपका एमीटर होता है वो किस क्रम में लगा होता है? श्रेणी क्रम में। एमीटर श्रेणी क्रम में लगा रहता है, एमीटर श्रेणी क्रम में लगा रहता है। इस क्रम में लगा रहता है आपका? श्रेणी क्रम में। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं कि एमीटर किस क्रम में लगता है? श्रेणी क्रम में लगता है। विद्युत धारा को किससे नापते हैं? एमीटर से नापते हैं। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं विभव और विभवांतर। जो आपकी विद्युत धारा होती है वहां दो शब्द बार बार उपयोग आएंगे, विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है? तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव इसको देखते हैं। विद्युत धारा में उत्पन्न होगा तभी इसको अपन ने क्या कहा? विद्युत विभव। एकांक धनावेश को क्या कहना है? एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से, अनंत से एक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहना है? एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे और जितना कार्य करना पड़ेगा, जैसे क्या है आपका एक बिंदु ए है और ये क्या है आपका बिंदु बी है, तो एकांक धनावेश को कहां से ला रहे हैं अपन? एक धनावेश है अनंत, अनंत से लाए और इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच में ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वो क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। एकांक धनावेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या अनंत से एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है आपका? विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एकांक से लाए अपन, अनंत से लाए, सॉरी एक क्या था, एक बिंदु ए था, विभवांतर को बी से लिखते, इसको बी से लिखते हैं, और कहां से लाए थे अपन? अनंत से। एकांक धनावेश को अनंत से एक बिंदु तक लाए, ठीक है, और जो कार्य किया जाता है वो किसके बराबर होता है आपके? विभवांतर के। तो अपन जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है आपका? W। आवेश का मात्रक क्या होगा आपका? Q। देखो एकांक धनावेश को अपने पास आवेश है मतलब क्यू है,
विभव के बराबर होगा। तो एकांक धनावेश को लेके जा रहे हैं। अब अपन को पता है कोई भी आपकी जो राशि होती है अनंत पे क्या होती है, जीरो होती है। अनंत पे क्या होती है आपकी, जीरो होगी। तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा, वी ए बराबर डब्लू अपॉन क्यू। वी ए बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू अपॉन क्यू हो जाएगा। एक बार देख लो, फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्या कह रहा है, विद्युत विभव को V से लिखते हैं, एकांक धनावेश को, ये आवेश है, को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो ये आपका कोई अनंत आवेश था, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके गए अपन, ठीक है। कार्य क्या किया आपके, W किया। आवेश क्या था आपका, Q, ठीक है। तो कार्य क्या हुआ आपका, W। आवेश क्या था आपका, Q। अब कहाँ से कहाँ तक लेके गए अपन, अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो आपका अनंत पे कोई भी कार्य क्या होता आपका, जीरो। अपनी ये समीकरण बन के आ रही है आपकी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये बाद में लिखना, पहले आप इसको ऐसे लिख लो, वी ए माइनस वी अनंत, ठीक है। अनंत पे कार्य किया, और अपन जानते हैं वी इनफाइनाइट बराबर क्या होता है आपका, जीरो। और वी ए बराबर क्या हो गया आपका, डब्लू बटे क्यू बटे डब्लू, हाँ डब्लू बटे क्यू। डब्लू क्या है आपका, कार्य, और क्यू क्या है आपका, आवेश। तो ये समीकरण निकल के आती है विद्युत विभव की, ठीक है। ये समीकरण निकल के किसकी आती है आपके, विद्युत विभव की। अब अगला देखते हैं अपन, विभवांतर क्या होता है। अगला क्या है, विभवांतर, ये भी ऐसा सा ही है, थोड़ा सा अंतर है। विभवांतर, विद्युत विभवांतर, विद्युत परिपथ में इसको परिभाषित करेंगे। विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य। विभवांतर कहलाता है। इसमें और उसमें इतना सा अंतर है कि वो अनंत से ला रहा था और ये कहां से ला रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर। जैसे एक बिंदु ए था और दूसरा बिंदु क्या आपका, बी है, या आप पी क्यू कुछ भी मान सकते हो। तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ये एकांक धन आवेश है। आवेश क्या आपका, क्यू, एक बिंदु से बी बिंदु तक लेके गया। और कार्य क्या कर रहेगा आपका, डब्ल्यू। तो ये क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर या विभवांतर। विभव और विभवांतर में इतना अंतर है कि विभवांतर में क्या किया जाता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर, जबकि विद्युत विभव में क्या किया जाता है, एक अनंत से उस बिंदु की ओर लेके आते, इतना ही अंतर है, ठीक है। तो वैसे की वैसे समीकरण निकल के आएगी आपकी, क्या होगा आपका, वी ए माइनस वी बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू अपॉन क्यू, सॉरी डब्लू ओ क्यू अपॉन डब्लू। ये है आपके विद्युत विभवांतर का समीकरण। अब देखो कार्य को अपन किस में लाते हैं, आप नाइन्थ में भी पढ़े हुए हो जूल में, कार्य को किस में लाते हैं अपन, जूल में, ठीक है। अगर मैं इस समीकरण को चेंज करके लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ,
चुके। अब देखो अपन विद्युत परिपथ बनाएंगे, तो विद्युत परिपथ में कुछ आपके सिंबल का यूज किया जाएगा, कुछ प्रतीक का यूज किया जाएगा। कैसे, अब देख लो, सबसे पहले तो होता क्या है विद्युत परिपथ, कैसा होता है, उसमें क्या क्या होंगे परिपथ में। जैसे आप विद्युत परिपथ बनाओगे, ठीक है, उसमें एक तार होगी, आप एक वायर होगी, ठीक है। इसके अलावा क्या होगी, उसमें एक कुंजी लग जाएगी, कल भी मैंने बताया था आपको। फिर उसके अलावा क्या होगी, एक बैटरी लग जाएगी, एक क्या लग जाएगी, आपकी बैटरी, ठीक है। यहाँ क्या लगा दिया आपने, बल्ब लगा दिया, और ये बना दिया आपका विद्युत परिपथ। अब देखो अगर विद्युत परिपथ में बैटरी लगी हुई है, सेल लगाया हुआ है, धारा नियंत्रक लगा हुआ है, तो अब आप ये तो है नहीं कि सेल का चित्र बनाने लग जाओ, धारा नियंत्रक का चित्र बनाओ, की कुंजी जो प्लग बोलते हैं उसका चित्र बनाओ। ऐसे अगर आप बनाओगे तो टॉप जो आपका टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगी, ईजीली बनेगा भी नहीं। इसके लिए क्या क्या होंगे परिपथ जो बनाए जाते हैं विद्युत परिपथ, उनमें उनके प्रतीक का यूज करेंगे, कैसे करेंगे बताते हैं। जैसे अगर आपको विद्युत सेल बनाना है, विद्युत सेल अगर आपके परिपथ में लगा हुआ है तो आप कैसे उपयोग करोगे, तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत सेल। सेल लगाए तो आप ऐसे चित्र नहीं बनाओगे, ये सेल बन गया, ऐसा सब कुछ नहीं बनाओगे। आप क्या करोगे, सिंपल सा सेल बनाने के लिए क्या करेंगे, विद्युत सेल को कैसे प्रदर्शित करेंगे चित्र में, जो बड़े वाला सिरा होगा वो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो ये क्या हो गया विद्युत सेल बनाने का तरीका परिपथ में। अब आपको कुंजी बनानी है, तो कुंजी यानी जो प्लग होता है वो, उसके लिए कैसे बनाओगे आप, ऐसा चित्र बना दोगे, ये हटा दोगे तो कुंजी कैसी है, खुली हुई है, ये पॉइंट लगा दोगे तो कुंजी कैसी है, आपकी बंद कुंजी है, ठीक है। अब आपको लगाना है धारा नियंत्रण, मतलब धारा को कंट्रोल करने वाला, धारा नियंत्रण लगाना है, तो उसको धारा नियंत्रण ऐसा होता है, रियल में ऐसा सा एक होता है, उसके ऐसे ऐसे वायर लगाए होते हैं, ठीक है, इसके दो ऐसे सॉकेट से होते हैं, दो सॉकेट होंगे आपके, और यहाँ पे क्या होगा एक उसको फिक्स करने वाला होगा। ऐसा बनाओगे टाइम भी कितना लग गया, और हर किसी से बन भी नहीं पाएगा, तो इसलिए धारा नियंत्रण के लिए कैसे बनाते हैं परिपथ में, ऐसे से बना दो, क्या एक तो ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, और दूसरा तरीका ये है इसको ऐसे ऐसे बना दो, ऐसे बन गया, और इस पर ऐसे निशान लगा दो, तो ये दोनों ही प्रतीक किसके चिन्ह किसके, आपके धारा नियंत्रण के। तो जैसे चाहो आप दोनों में से कोई सा बना सकते हो। अब आपको वोल्ट मीटर लगाना है विभवांतर ज्ञात करने के लिए, वोल्ट मीटर लगाना है तो आप क्या करोगे, ऐसे बनाओगे, उसमें बी लिखोगे, एक का प्लस होगा और एक का क्या होगा आपका माइनस होगा। अब अगर आपको एमीटर लगाना है परिपथ में, क्या लगाना है आपको एमीटर, तो क्या करोगे आप ऐसे लगा दोगे, ठीक है। अब बल्ब को प्रदर्शित करना है तो बल्ब का चित्र तो बनाना घटोगे नहीं, बल्ब के लिए क्या कर देंगे अपन, ऐसे बना देंगे उसमें, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है आपके बल्ब को तो इन प्रतीकों का उपयोग करके अपन क्या करेंगे, आपके आगे जो विद्युत परिपथ होगा उसमें इनका उपयोग करेंगे। अब देखो एक चित्र बनाते हैं विद्युत परिपथ का जिनमें इन सब का उपयोग किया जाता है, कैसे देखो, जैसे एक परिपथ बनाया उसमें इन सब का अपन उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिया, एक तार लिया, ठीक है, ये तार का दूसरा सिरा, या एक बल्ब लगा दिया आपने, दो भी बना सकते हो आप, ठीक है, बल्ब लगा दिया। अब क्या किया आगे, क्या करते हैं, ये आपने क्या लगा दिया, आपकी बैटरी लगा दिया, सेल लगा दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये फिर से नेगेटिव, ठीक है। यहाँ क्या किया आपने, कुंजी लगा दी, यहाँ पे क्या कर लिया आपने, कुंजी लगा दी, ठीक है। जैसे कुंजी लगती है यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, धारा नियंत्रण लगा दिया,
धारा नियंत्रक लगा दिया, यहाँ पे ये धारा नियंत्रक लगा दिया, ठीक है, ऐसे प्रदर्शित किया। फिर इसको किससे अटैच कर दिया आपने, इससे अटैच कर दिया। अब यहाँ क्या लगा देते हैं अपन, एमीटर लगा दिया आपने, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, देखो कितना इजी हो गया हमारे पास। और धारा कैसे बहती, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये निशान का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर एमीटर लगाए तो यहाँ वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप आसानी से जो परिपथ होता है उसको समझा सकते हो, ना कि उनके रियल चित्र बना के। रियल चित्र बनाने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और गलती होने के चांसेस भी पूरे होते हैं, और उसको समझना भी थोड़ा क्या होता है आपके कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इस तरीके से आप विद्युत परिपथ का निर्माण कर सकते हैं प्रतीकों की सहायता से। अब देखते हैं अपन ओम का नियम क्या है। देखो आपके विद्युत धारा को जो प्रवाह होता है उसमें एक महत्वपूर्ण नियम काम करता है, जिसको बोला जाता है आपके ओम का नियम। क्या बोला जाता है आपके ओम का नियम, तो इसको देखते हैं ओम का नियम क्या कहलाता है। ओम का नियम इसको समझो, ठीक है। ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक तार की, चालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाए, भौतिक अवस्थाओं से क्या तात्पर्य है, उसकी लंबाई है, ताप है, क्षेत्रफल है, ताप है, दाब है आपका, क्षेत्रफल है, ये सब क्षेत्रफल आदि को क्या कहें अपन, स्थिर रखी जाए, तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। मतलब क्या कह रहा है, अगर कोई चालक तार है मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आप उसकी भौतिक अवस्थाएं ताप है, दाब है, क्षेत्रफल है, इनको स्थिर रखें, तो जितना भी भुवांतर उत्पन्न होगा वो भी वृद्धि क्या होगी, आई समानुपाती भी, जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है। ये जो निशान दिख रहा है किसका है आपका, समानुपाती का। 9th में भी पढ़ा था अपन ने, जब भी एक समानुपाती को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं अपन, एक नियतांक लगाते हैं, कॉन्स्टेंट लगाते हैं। तो आर क्या है यहाँ पे, नियतांक है, कॉन्स्टेंट है। तो जो धारा होती है वो किसके समानुपाती होगी, विद्युत विभवांतर के समानुपाती होती है। और जब भी आपका कांस्टेंट हटाया जाता है, समानुपाती का निशान हटाया जाता है, तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको नियतांक बोलते हैं। और यहाँ क्या कांस्टेंट लगा है आपका, आर। तो ये है आपके ओम का नियम। अब इसका भौतिक सत्यापन